अभी साउथ इंडिया में पैन इंडियन यानी कि फुल इंडिया में फिल्म रिलीज करने का एक ट्रेंड बन चुके हैं। और दोस्तों आज मैं ऐसे ही अपकमिंग साउथ फिल्म का पैन इंडियन कास्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ और इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन आचार्य, और मेनली ये फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म है और जहाँ पर इसका म्यूजिक राइट ऑलरेडी रिकॉर्ड प्राइस में सोल्ड हो चुका है और इसमें रियल लाइफ बाप और बेटा को एक साथ नजर आने वाले हैं और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई है। और अभी बात करती हूँ पैन इंडियन कास्टिंग के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट करी है कोरटाला शिवा ने और जिन्होंने तेलुगु का डायरेक्टर है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन सी कास्ट को की गई है फाइनलाइज्ड, जहाँ पर इसमें मेगा स्टार चिरंजीवी जिनको मेन लीड रोल यानी कि आचार्य के रोल में नजर आएंगे और उन्होंने इसमें प्ले करने वाले हैं एक नक्सलाइट का रोल। और जहाँ पर ऑलरेडी इस फिल्म का टीजर में उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टर में नजर आई है। और इसके बाद है मेगा पावर स्टार रामचरण जिनको इसमें सिद्धा के रोल में नजर आएंगे और बता दोस्तों आचार्य फिल्म पर उनका एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस होगा। और इसके बाद काजल अग्रवाल और जिनको इसमें चिरंजीवी का लवर के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद है पूजा हेगड़े और जहाँ पर इसमें उनको नीलांबारी के रोल में नजर आएंगे जिन्होंने प्ले करने वाले हैं रामचरण का लवर के रोल। और इसके बाद है पोसानी कृष्णा मुरली जिनको इसमें एक कॉमेडियन के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद है तानिकेल्ला भाड़ानी और जिनको तेलुगु के अलावा भी तमिल कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों पर नजर आते हैं। और अभी बात करती हूँ बॉलीवुड से कौन से एक्टर को ले गई है और इसमें शामिल है सोनी सूद जिनको इसमें मेन स्ट्रॉन्ग विलेन के एक्टर में नजर आएंगे। और जहाँ पर सोनू का बॉलीवुड के अलावा भी साउथ पर है एक समान दखल। और अभी बात करूँ कोलकाता बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से कौन से एक्टर को ले गई है जीशु सेन गुप्ता और जिन्होंने बंगाली फिल्म के अलावा भी हिंदी और तेलुगु फिल्मों पर नजर आते हैं। और इसके बाद कन्नड़ा से कौन से एक्टर को ले गई है उसमें है सौरभ लोकेश और किशोर और बता दोस्तों और दोनों को ही इसमें नक्सल ग्रुप का मेंबर के रोल में नजर आ सकते हैं। और अभी बात करूँ तमिल से कौन से एक्टर को ले गई है संगीता क्रिश जिन्होंने तमिल के अलावा भी तेलुगु और मलयालम फिल्मों पर नजर आती है। और इसके बाद है रेजिना कसंड्रा था दोस्तों और जहाँ पर इसमें उनको आचार्य फिल्म का एक आइटम सॉन्ग पर डांस मूव्स करते हुए नजर आएंगे। नंबर टू पुन्यान सेल्वन और जहाँ पर यह फिल्म है मेनली एक तमिल फिल्म पर इस फिल्म को पैन इंडियन पर रिलीज कर दिया जाएगा जहाँ पर इसका बजट काफ़ी हाई है और साथ में इस फिल्म को टोटल टू पार्ट में कर दिया जाएगा रिलीज और जहाँ पर पार्ट वन रिलीज होगा 2022 में और अभी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट बन चुके हैं पुन्यान सेल्वन। और अभी बात करें इस फिल्म का पैन इंडियन कास्टिंग के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट करी है मानी रत्नम ने और जिन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक मास्टरपीस डायरेक्टर है। और अभी बात करूँ तमिल से कौन से एक्टर को ले गई है चिया विक्रम जिनको इसमें आदित्य करिकलन यानी कि छोला डेंसिटी का प्रिंस के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद है काठी जिनको इसमें वल्ला वड़ैयान यानी कि छोला एम्पायर का फेमस चिफ्टन के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद है जयम रवि जिन्होंने छोला एम्पायर का राजा राजा द ग्रेट रहा। और इसके बाद है त्रिशा जिनको इसमें कुंदाबाई यानी कि जयम रवि का बहन के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद है विक्रम प्रभु जिनको इसमें कांधन मारान के रोल में दिखाया जाएगा। और इसके बाद है ऐश्वर्या लक्ष्मी जिनको आचार्य फिल्म पर पुन गुजहाली के रोल में दिखाया जाएगा। और इसके बाद है आशीन काकुमानु जिनको इसमें सेंधन अमुथान के रोल में दिखाया जाएगा। और अभी बात करूँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से कौन से एक्टर को ले गई है बॉलीवुड का शहनशाह अमिताभ बच्चन जी और जिनको इसमें सुंदरा चौझार के रोल में दिखाया जाएगा। और इसके बाद शामिल है ऐश्वर्या राय और जिनको इसमें नंदिनी और मंदाकिनी देवी यानी कि डबल रोल में नजर आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है ऐश्वर्या ने प्ले करने वाले है एक विलेन वाला रोल। और इसके बाद है सारा अर्जुन जिनको इसमें नंदिनी की यंग वर्जन के रोल में नजर आएंगे। और अभी बात करूँ तेलुगु इंडस्ट्री से कौन से एक्टर को ले गई है सुभिता धुलीपाला जिनको पुन्यान सेल्वन पर भानाथी के रोल में दिखाया जाएगा। और इसके बाद बात करूँ कन्नड़ा से कौन से एक्टर को ले गई है उसमें शामिल है किशोर जिनको इसमें रावी दासन के रोल में दिखाया जाएगा। और अभी बात करूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से कौन से एक्टर को ले गई है उसमें शामिल है जयराम
जिनको इसमें अजहर कादियान नम्बी के रोल में, और इसके बाद है रहमान जिनको इसमें माधुरा थागान के रोल में, और इसके बाद शामिल है लाल जिनको इसमें थिरुकोविलुर मन्नान मलयामन के रोल में दिखाया जाएगा। तो सो ये रहा साउथ का कुछ ऐसे अपकमिंग फिल्मों के बारे में जहाँ पर की गई है पैन इंडियन कास्टिंग। दोस्तों इन सब फिल्मों से आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा, और सके बॉलीवुड और साउथ इंडिया से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।